नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। पिछले बुधवार को खांसी, लूज मोशन और उल्टी की शिकायत को लेकर पहुंची एक युवक को सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। जी, आपको बता दें कि खबर कोडरमा की है, जहां पर बुधवार को एक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था और मरीज की अब मृत्यु हो गई है। मरीज का स्वाब स्वास्थ्य सैंपल का रिपोर्ट आनी बाकी है। वृद्ध व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी को भी आइसोलेशन में रखा गया था। दोनों का सैंपल जांच के लिए रांची भेजा गया है। फिलहाल WHO के गाइडलाइन के अनुसार शव को डिसइंफेक्टेड करके प्लास्टिक में कवर करके परिजनों को सौंप दिया गया है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है, रांची से रिपोर्ट आने के बाद ही मरीज कोरोना से संक्रमित है या नहीं इस बात का पता चल पाएगा। बहरहाल मरीज की मौत को लेकर सदर अस्पताल के डॉक्टर और परिजनों के बीच रिपोर्ट आने तक सस्पेंस बरकरार है। मोदी 65 साल के वृद्ध व्यक्ति 29 तारीख को ये फ्लू कॉर्नर में आए, उनका लूज मोशन, वॉमिटिंग और खांसी का शिकायत था और वो ठीक से बोल भी नहीं, समझ भी नहीं पा रहे थे। और डॉक्टर ने उनको देखा और आइसोलेशन वार्ड में थ्रोट स्वाब के लिए और लूज मोशन और जो उनको खांसी थी उसके संबंधित दवा और जांच के लिए तुरंत उनको लिखा गया और उसको दवा शुरू की गई और एक्सरे के लिए भी सजेस्ट किया गया और जो यहाँ जांच हो सकता था ब्लड का, उसमें किडनी जांच, लीवर जांच और CBC के लिए सजेस्ट किया गया। और ये भी हिस्ट्री से पता चला कि वो पहले 8 साल से हार्ट के मरीज थे और रांची से उनका इलाज चल रहा था, और लेकिन उनके पास कागज़ नहीं था क्या इलाज चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने एक्सरे कराया तो उसमें उनका हार्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा मिला, लेकिन निमोनिया जो मेनली कोविड में होता है उसका कोई फीचर्स नहीं मिला एक्सरे में, लेकिन हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ था, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम उनको विशेष हो गया और आज सुबह 1 तारीख को उनकी मौत हो गई। सो सैंपल जांच के लिए भेजा गया? हाँ, सैंपल जांच के लिए इनका हम लोगों ने उस सस्पिशन के आधार पर कि इनको खांसी था, इस आधार पर उनका सैंपल लिया गया, नेजोफेरेंजियल स्वाब जो लिया जाता है, और उनके साथ पत्नी भी थी, उनका भी हम लोगों ने लिया स्वाब और वो जांच के लिए गया जिसका अभी जांच आना बाकी है। तो शव को परिजनों को सौंप दिया गया? हाँ, शव को फिर जो कोविड के अंतर्गत मेथड है WHO के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत उसे अच्छी तरह से पैकिंग करके और डिसइंफेक्ट करके उनके सब परिजनों को